सो गाइस आई एम सिटिंग इनसाइड नेक्सॉन ये है एक्जेड प्लस मॉडल है नेक्सॉन का जिसमें आप देख सकते हैं सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है मेरी हाइट है सिक्स फीट आप देख सकते हैं अंदर हाई है सपोर्ट कितना ज्यादा है मैं पूरा चिपक के बैठा पीछे से आप देख सकते हैं जस्ट ऑलमोस्ट टच हो रहा है मेरे नी को तो काफ़ी अच्छा इसका अंदर हाई सपोर्ट है एंड ईजिली इसकी जो वेट था ना कार की मतलब सेगमेंट में सेकेंड नंबर पर आती क्योंकि फर्स्ट में तो एक्स्यू वी थ्री डबल हो बट वो काफ़ी आउटडेटेड लगती है फीचर्स के मामले में मतलब फीचर्स तो नहीं बट उसके इंटीरियर के मामले में बट ये नेगज़ोन में जो मतलब इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी मतलब अपडेटेड लगता है एंड सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है जो सेकेंड uh, नंबर पे आती है सबसे मतलब इसके सेगमेंट में विथ के मामले में मतलब तीन लोग आप आराम से बैठा सकते हैं इसमें सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है बीच में थोड़ा सा बम्प है बट आप ऐसे मैनेज करके बैठ सकते हैं देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद भी काफ़ी जगह बचती है एक आदमी इधर आ जाएगा एक आदमी इधर आ जाएगा ईजीली तो ये चीज़ मेरा काफ़ी अच्छा लगा एंड हेड रूम की बात करूँ मैं हेड रूम भी सफिशियंट है आप देख सकते हैं हेड रूम भी एकदम सफिशियंट है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड लेगी स्पेस आप देख सकते हैं मतलब ये जो सामने वाली सीट है मेरे हिसाब से सेट नहीं है बट इतना आएगी तो भी ठीक है मेरे लिए तो ये था इसका कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छी है ये कम्फर्ट लेवल के मामले में एंड इसमें आपको सन भी मिल जाता है रियर एसी वेंट्स भी मिल जाता है आपको इस पर एंड इसमें जो मुझे एक चीज पसंद नहीं आती वो ये है कि जो आम रेस्ट है फ्रंट आम रेस्ट ड्राइवर साइड का वो एडजस्टेबल नहीं है स्लाइडिंग रेस्ट नहीं है तो मुझे तो प्रॉब्लम जा रही थी उसमें हाथ रखने में बिकॉज हाइट बड़ी है तो सीट उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर